दुर्ग रेलवे स्टेशन के रायपुर नाका कोचिंग कॉम्प्लेक्स के पास शनिवार की रात ट्रेन के 3 इंजन हुए डीरेल। इंजन रिकवर करने का कार्य रेलवे के तकनीकी विभाग की टीम ने किया प्रारंभ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में बीती रात एक ट्रेन का इंजन डीरेल हो गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी और मैकेनिकल इंजीनियर्स मौके पर पहुंचकर इंजन को रिकवर करने का काम शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात 3 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास रायपुर नाका कोचिंग कॉम्प्लेक्स में स्टंटिंग का कार्य चल रहा था। ट्रेन की बोगियों से इंजन को जोड़ने के दौरान अचानक ट्रेन का इंजन डीरेल हो गया। जिस ट्रैक से रेल का इंजन डीरेल हुआ उसके साथ 2 इंजन जुड़े हुए थे। इंजन डीरेल कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर बड़े स्तर पर इंजन को पटरी पर लाने का कार्य जारी है। गौरतलब है कि इस घटना में यात्री ट्रेनों की आवाजाही तो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन एक गंभीर लापरवाही जरूर सामने आई है। यहाँ यार्ड की पटरियों से ही इंजन को बेपटरी होना पड़ा है। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बातें कही गई हैं। गौरतलब है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में अगर पटरी के रख रखाव में इसी तरह की लापरवाही की गई तो बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल लगभग 8 घंटों से रेलवे इंजन को पटरी पर लाने का कार्य लगातार जारी रखा गया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।